विराट और रोहित की रिप्लेसमेंट पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। मतलब आपने ऐसा क्या देख लिया, ऐसी क्या चीज हो गई जो आप बोल रही हो? पाकिस्तान को ये लास्ट T20 देख के बड़ा झटका लगा हुआ है, बड़ा शॉक लगा। लेकिन आप ये बताओ, आपने ऐसा देखा क्या जो आप बोल रही हो कि भाई रोहित और विराट T20 फॉर्मेट में वापसी आ गए? मैंने नहीं देखा, सबने देखा। क्या हुआ? अभिषेक और गायकवाड़, रिंकू, मतलब किस किस को भुगते हैं? ये तो देखो, मैं सीधा बोलूंगा, इंडिया ने हमें हिस्ट्री का धोखा दे दिया है बहुत बड़ा। ये इतना बड़ा धोखा किया है हमारे साथ, खासतौर पे पाकिस्तान के साथ। उन्होंने हमें बोला कि देखो अब रोहित और विराट की हो गई रिटायरमेंट, अब हमें हरा देना T20 के अंदर। उन्होंने अभिषेक ऋतुराज को आगे कर दिया यार। ये कोई बात हुई? आप मुझे बताओ, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कॉपी पेस्ट करके दे दिया, कॉपी पे ये लो भाई। देखो, एज अ क्रिकेट फैन तो हमें बड़ा दुख हो रहा था विराट और रोहित का जाने से, ठीक है, लेकिन हमें एज अ पाकिस्तानी फैन थोड़ी अंदर से खुशी भी हो रही थी, चलो विराट से फारिग हो गए। जब यही करना था तो हमें बता देते, फिर हम बोलते भाई ठीक है, नई ली रिटायरमेंट रोहित विराट ने, वो ऑलरेडी टीम में है, बस किसी और रूप, कोई और रूप ढाल लिया उन्होंने। मतलब रिप्लेसमेंट इस तरह से क्यों ढूंढ के रखा था, इसलिए आप लोग देख के उनको बोल रहे हैं। एक बात बोलना चाहूंगा ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ठीक है। अब आप देखो कि लोग बातें कर रहे हैं यार अभिषेक शर्मा ने क्या खेला और क्या बैट्समैन है यार, क्या ये है। आप सर एक बात बताओ, आज जो इसकी इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस आई है, आप क्या समझती हो, मतलब कैसे आ गई, ऐसे कैसे खेल लिया उसने? देखो, मैं तो इसको IPL में देखा था, ट्रेविस हेड के साथ। यही तो बात है ना, अब बहुत सारे लोग यही बातें कर रहे हैं कि यार वो IPL से आया है। भाई अगर आप अभिषेक शर्मा की हिस्ट्री उठा के देखो ना, वो बंदे ने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया है, ठीक है, क्रिकेट लैंग्वेज में डोमेस्टिक खेलना, क्रिकेट लैंग्वेज में डोमेस्टिक को रगड़ा बोलते हैं, कि एक प्लेयर को जब रगड़ा खाना होता है ना, वो बोलता है मैं डोमेस्टिक जाऊंगा ताकि आने वाले इंटरनेशनल मैचेस में मुझसे कोई गलती ना हो। भाईजान वो अंडर 16 से खेल रहा है यार, मतलब पंजाब अंडर 16 एक टीम थी, वहां से वो खेलता हुआ आया है। वो 17 साल की उम्र में फिर उसको IPL साइन मिला है, फिर IPL भी उसका सही नहीं गया, फिर अभी उसको ये जो सनराइजर्स की वजह से ट्रेविस हेड वगैरह से ओपनिंग करी है, ठीक है, तो उस वजह से उसका नाम थोड़ा सा ऊपर आया है, ठीक है ना। फिर भी देखो उसको वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में जगह, एक्सपेक्टेड था हो जाए, ठीक है, उसको अब चांस मिला है। तो सर अब ये उसकी एक वो वाली ट्रेन में बैठ गया है कि बस सिर्फ अब उसको आने वाले वक्त में रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ही तोड़ने हैं, ठीक है ना। अब रोहित शर्मा से कंपैरिजन वगैरह तो देखो बनता नहीं, देखो, है नहीं। रोहित शर्मा और विराट से तो किसी का भी कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन एक स्टाइल होता है खेल के देखते हुए कि यार देखो रोहित शर्मा कितना खेल रहा है। भाई मैं समझता हूँ, देखो मैं ये नहीं कि मैं अभिषेक शर्मा को ये बोल रहा हूँ कि यार नहीं अभी इसको टाइम, ऋतुराज गायकवाड़ मेरे हिसाब से वो एक कंप्लीट बैट्समैन है। कंप्लीट बैट्समैन का आपको मतलब मैं समझाता हूँ, जिस तरह से मैं बोलता हूँ कि भाई जसप्रीत बुमराह, ठीक है, वो एक कंप्लीट बॉलर है, ठीक है ना, यानी रियल कर वगैरह हर चीज प्रॉपर बॉलर है वो कंप्लीट। इसी तरह से ऋतुराज गायकवाड़ मेरे हिसाब से पूरा प्रॉपर बैट्समैन और कंप्लीट बैट्समैन। CSK की मतलब कुंजी जो हाथ में दी है धोनी ने, देखो यही चीज है CSK। अब आपने उसको CSK से देखा, आपने देखा यार वो धोनी ने उसको कप्तानसी दी तो उसके अंदर कुछ होगा। सर उसकी तो अभिषेक शर्मा ने तो कुछ डोमेस्टिक नहीं खेला जो वो खेलता हुआ है बंदा। सर आप देखे अंडर 20 खेला, अंडर 22 का नाम किसी ने सुना नहीं होगा, वो बंदा वो भी खेला है। अच्छा, वो बंदा वो भी खेला है, हार्ड वर्किंग है भाई, महाराष्ट्र टीम से, ठीक है, उसकी एक टीम थी महाराष्ट्र, सही है, डोमेस्टिक, वहां से वो खेलता 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 चेन्नई में आया, फिर ये सीन हुआ, फिर उसका नाम ऊपर आया जब धोनी ने उसको ऊपर आगे किया कि भाई अब ये कप्तानसी करेगा मेरी जगह, ठीक है। सर कुछ तो होगा जो महेंद्र सिंह धोनी जैसे बंदे ने उसको बोला, नहीं सर ये आगे है, जडेजा नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है सर, ठीक है, ये आगे है भाई, ये आगे बंदा, ये संभालेगा टीम को, ये इंडियन टीम को दे रहा हूँ एक कप्तान तैयार करके मैं। यानी तुम ये बात बोलते भी थे, धोनी देता भी है लोगों को ट्रेन करके कि भाई ये कप्तानसी करे। देखो अब दूसरी चीज ये है कि यार ये जो दो बल्लेबाज है ना, अब मैं देख रहा हूँ कि यार वो सब है ना वो कर रहे हैं तारीफ कर रहे हैं कमेंट्स में, यार अभिषेक की क्या पर्सनालिटी है यार, क्या बंदा है, क्या छक्के मार रहा है। सर उसके दिल से पूछो उसकी स्ट्रगल कितनी है, ऋतुराज गायकवाड़ के दिल से पूछो कि उसने कितनी मेहनत करी है इस मकाम को हासिल करने की। अच्छा यानी देखो, और अभी तो कुछ हासिल नहीं हुआ। देखो ये तो देखो इनके ये हो गई स्ट्रगल, लेकिन पीछे इंडियन बोर्ड भी है कि मतलब डोमेस्टिक वो इस तरह से खिला रहा है। अल्फाज क्या आते हैं जब उसकी रिटायरमेंट हो रही थी, आप उसको बताओ उसने क्या बोला था, न्यू जनरेशन को अब हमारा फ्यूचर सेफ हैंड्स में, ये बोला था नहीं बोला था, इस वजह से बोला था कि विराट और रोहित को खुद को भी अपने सिस्टम पे भरोसा है कि यार हमारा सिस्टम किसी पर्ची को आगे आने नहीं देगा। यानी हमारी पाकिस्तान टीम में जो ये मामला हो रहे हैं इस वक्त डोमेस्टिक की वजह से। यार अब मैं आपको बात बताऊं, परसों हम बैठ के बात करे थे तो इसने मुझसे पूछा यार ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ होता है, इसकी स्टेट्स हम कहाँ से देख पाए। तो मुझे दुख हो रहा, मैंने बोला यार अगली सही, भाई उसको सही नहीं पता,
जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल कचरे में गई भी होगी पाकिस्तान की, ठीक है, आप सिर्फ PSL जैसी लीग को आप ऊपर लेने के लेके जाना चाह रहे हो, सेम अय्यूब जैसे लोगों को उठाओगे, उसके बाद इंटरनेशनल में दो तीन दफा उनको चांस भी मिलेंगे, वो मैं समझता हूँ सैम अय्यूब की 0% गलती भी नहीं है यार, उसको उसको रूल ये पता था कि भाई PSL खेल लूंगा तो पाकिस्तान टीम में भी खेल लूंगा, उसको अगर ये रूल बताते ना आपके सर आपको डोमेस्टिक में रगड़ा देना है, ठीक है, उसके बाद आप आओगे PSL में, फिर आप आओगे टीम में। अभी चल भी रहा है, जो लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, जो लड़के मेहनत कर रहे हैं ना, अभी वही वाली बात है, हम PSL में आ जाएं ताकि हमारी नजरों में आए, फिर हम इंटरनेशनल में चले। इसी बात से हटती है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ठीक है, पाकिस्तान हारता है उसके बाद टीम पे वर्क होता है, अबे पहले क्यों नहीं हुआ यार, मतलब एक वर्ल्ड कप आया जो 2 साल में या 4 साल में एक दफा आता है, ठीक है, हार जाएंगे बाहर, उसके बाद वर्क होगा यार, वो कप्तान चेंज कर देते हैं यार, वो दो बॉलर्स को, अबे अब क्या फायदा यार, अब 2 साल कौन देखेगा, 2023 का 4 साल वाला वर्ल्ड कप हम लोग हार गए, वही टीम सेम कुछ चेंजेस करके दोबारा भेज, भाई यकीन करो, अब एक बात है ना, देखो अब अभी तो आप बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जिनको अभी जो डोमेस्टिक खेल रहे होंगे, जिनको अभी आना है ऊपर, ठीक है, जिनको आप भी नहीं जानती हो, मैं भी उनके नाम नहीं जानता हूँ, अभी जब IPL वगैरह खेलेंगे तो फिर हम जानेंगे, अच्छा ये भी बनने यार, रेयान पराग को आप कहाँ से जानती हो, मैं नहीं समझता कि इसको कोई इंटरनेशनल मैचेस से जानता है, भाई डोमेस्टिक खेला बंदे ने, आया आगे आया, IPL में परफॉर्मेंस दी, ठीक है ना, मुकेश कुमार हुआ, कोई भी हुआ यार, इंडिया का कोई भी बंदा उठा के देख लो, यानी कि डोमेस्टिक का एक बहुत बड़ा हाथ होता है एक क्रिकेट टीम के लिए, भाई मैं यकीन करो, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडियन टीम में पर्चियां आती हैं, लेकिन अगर कोई किसी पर्ची को भी सिलेक्ट करना होगा ना इंडियन टीम में, मतलब अगर मैं पर्ची हूँ और मुझे सिलेक्ट होना होगा इंडियन टीम में, परफॉर्मेंस तो मुझे भी डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने IPL से ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट को रखा हुआ है यार, IPL वो कराते हैं पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, मजे के लिए, तो भाई अगर ये सिस्टम हो जाए पाकिस्तान के अंदर तो क्या ही बात है भाई, बाकी लड़कों ने दोनों भाइयों ने इनिंग बड़ी खतरनाक खेली है।